जमेर I mean, माय चैनल तो फिर से लेके आ गए एक और धमाकेदार राजस्थानी मारवाड़ी डीजे स्टेट वीडियो जो आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा साइड में भी देख सकते हो तो इस तरह का मारवाड़ी राजस्थानी डीजे स्टेट वीडियो आप कैसे बना सकते हो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम अलाइट मोशन एप्लीकेशन तो ये वाली एप्लीकेशन और जो भी मैं इस वीडियो के अंदर जो भी मेटेरियल यूज किया इफेक्ट प्रोजेक्ट ठीक है और बीट मार्क प्रोजेक्ट तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा ओल्ड मेटेरियल लिंक के अंदर ठीक है और इसके अंदर जो भी एक दो पी भी यूज किया था मैंने ठीक है नेम पी एन ठीक है टेक्स पी तो उनका लिंक भी आपको ओल्ड मेटेरियल लिंक के अंदर मिल जाएगा जो और दो फोटो भी यूज की थी उसका लिंक भी आपको ओल्ड मेटेरियल लिंक के अंदर मिल जाएगा तो ओल्ड मेटेरियल लिंक आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट मिलेगा ठीक है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है तो आपको पासवर्ड भी मिल जाएंगे और आप वीडियो को बनाना भी सीख जाएंगे तो वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा तो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते वीडियो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी मिस नहीं हो और जो भी ये वीडियो मैंने एक बंदा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा था इस सॉन्ग पे तो इस उसी सॉन्ग पे भी ये वीडियो आ रहा है ठीक है तो आपको भी अगर कोई सॉन्ग पसंद हो तो उस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना अगली वीडियो आपको उसी सॉन्ग पर आने वाली है तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते वीडियो इस आगे अलाइट मोशन एप्लीकेशन में तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट देखिए दोनों प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेना दे अमस एडिट बाई बीट मार्क ठीक है और अमस एडिट बाई ओल इफेक्ट ठीक है तो ये दोनों प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेना सबसे पहले आपको ऑल इफेक्ट चला के दिखा देता हूँ अमस एडिट बाई ओल इफेक्ट देखिए इसके अंदर आपको पूरे इफेक्ट मिल जाएंगे कौन से इफेक्ट कहां लगाना कौन से इफेक्ट कहां लगाना तो वीडियो पूरा एंड तक देखना तभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आने वाला तो चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो आपको कौन सा इफेक्ट किस फोटो में लगाना कौन सा इफेक्ट किस फोटो में लगाना आपको वीडियो पूरा देखना तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा और आपका वीडियो शानदार बनेगा तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको बीट मार्क वाला बिट मार्क वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं देखिए बिट मार्क तो इसके अंदर आपको सभी बिट बिट मार्क लगे हुए मिल जाएंगे तो आपको बिट की जगह पर फोटो लगाना जहां टैक्स आ रहा है वहाँ पे टैक्स लगाना ठीक है और आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ जाएगा कौन सा इफेक्ट कहाँ लगाना है कौन सा इफिकट कहाँ लगाना है ठीक है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आना स्टार्टिंग में आने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा टैक्स इफेक्ट तो यहाँ पे एक फोटो लगाना सबसे पहले तो फोटो लगाने के लिए प्लस पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिएगा इस फोल्डर पे इस पर क्लिक करोगे जो भी फोल्डर है यहाँ पे जितने भी फोल्डर आपके फोन में वो फोल्डर आ जाएगी फोल्डर पे क्लिक करेंगे फोल्डर ओपन हो जाएगा उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर आपका पूरा ओपन हो जाएगा उसके बाद में देखिए आपको ये वाला फोटो ले लेना तो इस फोटो पे क्लिक करोगे ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी उसके बाद में प्लस पे क्लिक करोगे तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी ठीक है आने के बाद में इस फोटो का आपको करना फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर डॉट पे क्लिक करना फिल कंपेन एरिया पे क्लिक करना पाँचवें नंबर तो ये फोटो को साइज हो जाएगा फुल ठीक है अब ये टैक्स आपका कहाँ तक आ रहा है देखिए यहाँ पे दो जगह टेक्स आएंगे तो देखिए यहाँ सेकंड वेट मार्क तक आएगा यहाँ पर देखिए सेकंड वेट मार्क यहाँ तक आ तो यहाँ तक यहाँ यहाँ तक आपका टैक्स आएगा तो अब इस लेयर को यहाँ को यहाँ तक करना जो आपने अभी फोटो ली थी एक नंबर वाले तो इस फोटो को यहाँ तक करना दो से दो पॉइंट दो सेकेंड तक ठीक है तो इस फोटो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो अब आपका इतना सा काम कम्प्लीटली हो चुका अब ये ये फोटो एक जगह और लगेगी चार नंबर इफेक्ट टैक्स टैक्स इफेक्ट आएगा चार नंबर ठीक है तो आपको यहाँ से नीचे जाओगे इस प्रकार से स्लाइड करते हुए जाएगा तो यहाँ पे फिर लिखा हुआ रहेगा ठीक है तो यहाँ पर देगे चार नंबर टैक्स इफेक्ट तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे आ जाना देखिए इस जगह ठीक है चार नंबर का जो लेयर आ रहा है स्टार्टिंग में यहाँ पर आ जाना ठीक है उसके बाद में प्लस पे क्लिक करना है प्लस पे क्लिक करने के बाद फिर से मीडिया पर क्लिक करना फिर से फिर से इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो फोल्डर आपका पूरा ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद इस वाले फोटो पे क्लिक करोगे फोटो यहाँ पे आ जाए उसके बाद प्लस पे क्लिक करोगे तो ये यह यहाँ पे, 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 तो यह पे आ जाएगा उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और फिर कंपेसन एरिया पाँचवीं नंबर पर क्लिक करना तो ये यहाँ पर आ जाएगा ठीक है और आपका ये टैक्स लेयर कहाँ तक आ रहा है देखिए टैक्स लेयर मेरा आ रहा है यहाँ तक ठीक है सोलह पॉइंट सत्रह सेकेंड तक तो देखिए इस वाली टैक्स वाली लेयर पर क्लिक करेंगे जो ये फोटो लिया था ना अभी इस फोटो पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा ठीक है तो ये फोटो का जो यहाँ पे जो टैक्स वाली फोटो ये काम कंप्लीटली हो चुका ठीक है अब आ, आपको टैक्स लगाना, लगाना है ठीक है ना अब यहाँ पे आपको टैक्स लगाना है ठीक है टैक्स लगाने के लिए अब देखिए मैं वापस जहां पे टैक्स लगाना वहां पर टैक्स लगा देंगे पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएंगे यहाँ पे भी टैक्स लगेगा दो जगह ठीक है दोनों जो दोनों बिट मार्के फर्स्ट और सेकंड दोनों जगह आपको टैक्स लगेगा तो टैक्स पीएनजी मैंने बना के रख रह रखा है ठीक है यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आपको टैक्स पीएनजी लगाना टैक्स पीएनजी लगाने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना उसके बाद में मीडिया पे क्लिक करना और उसके बाद में देखिए यहाँ पे इस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो फोल्डर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा ठीक है ओपन होने के बाद में जिस भी फोल्डर में आपका वो टैक्स टैक्स जो पी है उसको उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा होल मेटेरियल लिंक के अंदर ठीक है तो वो वाला पी लेके आ जाएंगे टैक्स पी ठीक है तो ये रहा ठीक है आमीन तो ये आमीन यहाँ पे आ गया ठीक है उसके बाद में देखिए फिर अगला टैक्स कहाँ आ रहा है वहाँ पे जाना है तो अगला टैक्स यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है तो फिर फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे उसके बाद में फिर से मीडिया पे क्लिक करेंगे मीडिया पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड में आएगा अजमेर ठीक है तो अजमेर क्लिक करेंगे तो अजमेर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए दोनों सेकंड बीट मार्क और फर्स्ट बीट मार्क का काम कंप्लीटली हो चुका है टैक्स का ठीक है अब अगला गए आपका अगला आ रहा है यहाँ पे चार नंबर पर जाना है आपको चार नंबर पर देखिए यहाँ पे भी आपको टैक्स इफेक्ट लगाना है ठीक है तो चार नंबर ये रहा ठीक है ये रहा चार नंबर ठीक है तो यहाँ पे भी ये फोटो आ रहा है तो आपको चार नंबर के स्टार्टिंग में आ जाना है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चौदह पॉइंट छः सेकेंड तक यहाँ पे आपको टैक्स लगाना है यहाँ पे टैक्स लिखना है आपको ठीक है टैक्स पी नहीं लगाना ठीक है अब पर टैक्स लिखना टैक्स लिखने के लिए प्लस पे क्लिक करना है प्लस पे क्लिक करने के लिए उसके, उसके बाद में आपको करना टैक्स ए डबल ए टैक्स पे क्लिक करना है उसके बाद में यहाँ पे लिखना है वी ठीक है आपको वी लिखना है ठीक है वी लिख दिया वी लिखने के बाद इसका कलर भी चेंज करेंगे इस पर कलर पर क्लिक करेंगे उसको रख देंगे वाइट वाइट ठीक है व्हाइट रखने के बाद में अब आपको इसमें कल वो जो फोन भी चेंज करना है ठीक है फोन चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए रोबोटो रेगुलर इस पर क्लिक करना है उसके बाद में ये वाला फोन रख लेना है ठीक है ये आपको ध्यान से देख लीजिए ये वाला फोन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो इस फोन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा ओल्ड मेटर लिंक के अंदर तो उसको डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के लिए फिर उसके बाद में आपको यहाँ से ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाए अब इसकी साइज भी बढ़ा लेनी है आपको देखिए तो साइज बढ़ाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे देखिए अट्ठारह पीटी आर इस पर क्लिक करना है और इसकी साइज़ इस प्रकार से आपको बढ़ा लेना पूरा ठीक है पूरा बढ़ाने के बढ़ाने के बाद में यहाँ से देखिए ओके पे क्लिक करना ठीक है राइट के ऑप्शन पे ठीक है उसके बाद में यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे ठीक है और इसका साइज़ आपको पाँच रख लेना है ठीक है तो यहाँ भी देखिए पाँच सौ चालीस ही आ रहा है ठीक है ना तो आपको इसको पाँच आ रहा है तो इसको आपको पाँच ही रखना है और इसको सेंटर में रख लेना है ठीक है और ये जो टैक्सी है आपको यहाँ तक ही रखना देखिए यहाँ तक ठीक है चौदह पॉइंट इकतालीस सेकंड तक ठीक है सेकंड बीट मार्क आ रहा है वहां तक और उसके बाद में इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो कट जाएगा ठीक है अब देखिए ये हो चुका है अब आपको इस पर फिर से क्लिक करके देख दिखा देता तो, देते इसका मूव एंड ट्रांसफर पे जाके साइज देखे ना तो पाँच सौ बारह ही हो रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं सही है साइज ठीक है आपको पाँच सौ पाँच सौ के लगभग रख देना तो यहाँ पे जितने भी टैक्स आ रहे हैं एक दो तीन टैक्स आ रहे हैं ठीक है वी एस अजमेर ठीक है तीनों टैक्स आ रहे हैं तो आपको तीनों बीट मार्क आएंगे जो चार नंबर के अंदर ठीक है तो यहाँ पे तीनों बीट मार्क के अंदर ये लगा देना ठीक है तो मैं ये लगा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको ठीक है सो so, okay, देखिए मैंने यहां पे, जा, पे भी देखिए वी एस अजमेर ठीक है यहां पे टैक्स इफेक्ट आ रहा तो मैंने टैक्स लगा दिया उसके बाद में देखिए इस जो पीछे का रहा रह 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 है देखिए थोड़ा सा इसको काटने के लिए देखिए इस जो इस अजमेर वाली लेयर है इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे जो पीछे का स्टापार्ट काट जाएगा ठीक है जो ये अजमेर वाली लेयर है ना जो ये देखिए टैक्स इसकी आपको साइज आठ सौ रख लेनी देखिए यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद मुंट ट्रांसफर पर जाना और साइज पे क्लिक करके इसकी साइज आपको आठ सौ रख लेनी ठीक है तो ये बहुत अच्छा लगेगा ठीक है अब आपका टैक्स का काम कंप्लीटली हो चुका ठीक है अब आपको केवल यहाँ पे फोटो लगाना अब जितने बिट मार्क लगे हुए हैं ठीक है शुरू से लेकर एंड तक ठीक है वहाँ पे आपको फोटो लगा देना बिट मार्क के हिसाब से ठीक है तो मैं एक फोटो लगा के दिखा देता हूँ तो देखिए यहां देखिए दो पॉइंट दो सेकंड पे आ जाता हूँ फर्स्ट यहाँ पे इस फोटो वाला लगेगा ठीक है पे इफेक्ट लिखा हुआ देखिए दो नंबर इफेक्ट तीन नंबर इफेक्ट तो वहां पे वहाँ पे आपको फोटो ही, ही लगाना है ठीक है और जहाँ पे आपका टैक्स लगाना वहाँ पे लिखा हुआ आएगा टैक्स टैक्स इफेक्ट ठीक है एक नंबर टैक्स इफेक्ट फोर नंबर टैक्स इफेक्ट कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा ठीक है तो अब मैं फोटो लगाने के लिए देखिए स्टार्टिंग में आ जाना यहाँ पे देखिए जहाँ से आपका सेकंड नंबर का इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाना उसके बाद में प्लस पे क्लिक करना उसके बाद में देखिए मीडिया पे क्लिक करना मीडिया पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए फोल्डर पे क्लिक करना जितने फोल्डर होंगे आपके सामने आ जाएंगे ठीक है फोल्डर को ओपन करना ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पे इस वाले आइकन पे, तो तो पे, पे क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर कुछ इस प्रकार से पूरा ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद में यहाँ पे देखिए एक फोटो लेकर दिखा देता हूँ फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है अभी इसको आपको फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ पे देखिए थ्री डॉट पे क्लिक करना उसके बाद में फिल कंपेसन एरिया पे क्लिक करना ठीक है यहाँ पे हो जाएगा ठीक है उसके बाद में अब देखिए आपका काम क्या है अब आपका जो ये फोटो जो लेयर है आपने फोटो लिया था इसका लेयर थोड़ा ज़्यादा है ठीक है तो आपको सेकंड बिट मार्क आ रहा देगी यहाँ तक ठीक है तो अभी इस फोटो को यहाँ तक ही रखना ठीक है उसके बाद में पीछे का एस्ट्राफार्ट काटते हैं ये देखिए पीछे का एस्ट्राफ्ट उसको काटने के लिए इसी फोटो पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो का जो भी एस्ट्राफार्ट है वो कट जाएगा तो इस प्रकार से आपको जितने भी बिट मार्क आ रहा है वहाँ पर आपको अपने बिटमार के हिसाब से फोटो लगा लेना ठीक है तो देखिए मैंने एक फोटो लगा के दिखा दिया नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो स, अब बाकी की सभी फोटो आपको लगा लेना तो मैं जल्दी से सभी फोटो लगाता तब फिर बताता आपको ओके so, okay भी फोटो थी सभी फोटो लगा दिया ठीक है तो जितने भी बिट मार्क के हिसाब से जितने भी फोटो थी मैंने लगा दिए ठीक है तो इस प्रकार से आपको जितने भी फोटो है वो लगा लेना ठीक है मैंने एक एक करके जितने भी बिट मार्क के हिसाब से सभी फोटो लगा लिए ठीक है ऐड कर ली आपको भी इस प्रकार से सभी फोटो ऐड कर लेनी ठीक है आपने टेक्स्ट का काम तो पहले ही कंप्लीट कर लिया था ठीक है फोटो वोटो लगानी थी तो मैंने सभी बिट मार्क के हिसाब से फोटो लगा लिया ठीक है अब आपको इसमें इफेक्ट लगाना है इफेक्ट लगाने के लिए देखिए स्टार्टिंग में आ जाए स्टार्टिंग में आ जाते स्टार्टिंग में आने के बाद में यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टी एन जी आ रहा है ठीक है आमीन लिखा हुआ ठीक है तो अब इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा ठीक है तो इस प्रकार से आपको नीचे जाना है ठीक है तो देखिए यहाँ पे कौन सा टैक्स आ रहा है तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाना है तो देखिए यहाँ पे लगेगा एक नंबर इफेक्ट ठीक है तो यहाँ पे देखिए टैक्स पी एन जी आ रहा है आमीन ठीक है तो आपको नीचे जाओगे इस प्रकार से आपको लिखा हुआ रहेगा एक नंबर टैक्स इफेक्ट ठीक है तो यहां से फिर से जाना आपको बैग ठीक है बैग जाने के बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओल इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना देखिए अब अमासीडेड बाई ओल इफेक्ट वाले ठीक है इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना इसका लिंक भी आपको ओल मेटेरियल लिंक के अंदर मिल जाएगा ठीक है ये ओल इफेक्ट ठीक है तो ये आपको देखिए फर्स्ट इफेक्ट आ रहा है तो इफेक्ट के नीचे देखिए यहाँ पे पी एन जी लिख है ठीक है ये पी एन जी फोटो इस पर आपको क्लिक करना उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है उसके बाद में यहाँ से आपको बैक जाना है ठीक है बैक जाने के बाद फिर से बीट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ठीक है आपने जो अभी आपने देखा था तो ये देखिए ये रहा बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट तो इसके अंदर ये फर्स्ट वाला ये आ रहा है जो पी एन जी टेक्स ठीक है इस पे क्लिक करना उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना ठीक है तो इसके अंदर ये वाला इफेक्ट लग चुका ठीक है फिर अग, अगला वाला टेक्स्ट भी यही आ रहा है ठीक है अगला टैक्स भी आ रहा है ठीक है टैक्स पी एनजी अजमेर अजमेर ठीक है तो इस पर भी लगाना तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे ठीक है यहाँ तक का काम आप, आपका कंप्लीटली हो चुका ठीक है अब आपका यहाँ अगली फोटो आ रही है ठीक है टैक्स के बाद में ये फोटो आ रहा है टैक्स पीएनजी के बाद में फोटो आ रहा है ये वाला तो इस फोटो में कौन से इफेक्ट लगेगा तो इस प्रकार से नीचे जाना है ठीक है नीचे जाने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ दो नंबर इफेक्ट तो दो नंबर इफेक्ट देखिए ये आपका जो दो नंबर इफेक्ट जहां तक आपका ये लेयर आ रहा है ना यहाँ तक ठीक है तो यहाँ तक ठीक है आठ पॉइंट छियालीस सेकेंड तो यहाँ तक आपको दो नंबर वाला इफेक्ट लगाना तो यहाँ से फिर से बैग जाना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना अमस्ती डेड इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए सेकंड 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 वाला फोटो पे चले जाना देखिए यहाँ पे दो नंबर इफेक्ट लिखा हुआ है ना इसके जस्ट नीचे फोटो आ रही फोटो पे क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक करना और थ्री डॉट पे क्लिक करना और कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है कॉपी हो जाए उसके बाद में यहाँ से जाना आपको बैक ठीक है बैक जाने के बाद में फिर से बिटमार वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद में आपको यहां पे जाना जहाँ से आपका सेकंड फोटो स्टार्ट जहां से आपका फोटो स्टार्ट हो रहा है देखिए दो नंबर वाला इफेक्ट के अंदर ठीक है तो यहाँ पे देखिए दो नंबर इफेक्ट के अंदर फर्स्ट फोटो आ रही फर्स्ट फोटो पे क्लिक करेंगे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में डॉट पर क्लिक करेंगे पेस्ट कर देंगे ठीक है उसके बाद में यहाँ से फिर से अगली फोटो आ रही अगली फोटो पे भी फिर से अगली फोटो पे क्लिक करेंगे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे पेस्ट कर देंगे ठीक है पेस्ट इफेक्ट ठीक है तो इस प्रकार से दो नंबर इफेक्ट के अंदर जितने भी फोटो आ रहे हैं तो दो नंबर वाला इफेक्ट लगा देना ठीक है तो मैं जल्दी से सभी फोटो के अंदर लगा देता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी सो ओके देखिए मेरा दो नंबर वाला इफेक्ट जहां तक आ रहा था ठीक है नौ पॉइंट ग्यारह सेकंड तक ठीक है तो यहां तक मैंने यहां तक मैंने दो नंबर वाला इफेक्ट लगा लिया ठीक है देखिए दो नंबर वाला लेर यहां तक आ रहा था तो मैंने दो नंबर वाला इफेक्ट लगा लिया फिर अगली फोटो आ रही ये वाली ठीक है ये वाली ठीक है तो इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाएंगे तो इस प्रकार से नीचे जाना है नीचे जाने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा देखिए तीन नंबर इफेक्ट ठीक है तीन नंबर इफेक्ट ये तीन नंबर इफेक्ट देखिए कहाँ तक कहाँ तक लगाना है नौ नौ पॉइंट ग्यारह सेकंड से लेके ये देखिए तीन नंबर वाला लेयर कहाँ तक आ रहा है ठीक है यहाँ तक ठीक है यहाँ तक आ रहा है मतलब चौदह पॉइंट छः सेकेंड तक है। तो यहाँ तक आपको जितने भी फोटो आ रही है उसके अंदर तीन नंबर वाला इफेक्ट लगाना तो यहाँ से फिर से बेग जाना है बैग जाने के बाद में फिर से ओल इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ से देखिए एक दो और तीन नंबर वाला इफेक्ट ये रहा ठीक है तीन नंबर वाला इफेक्ट ये वाला है ठीक है तो तीन नंबर इफेक्ट लिखा हुआ रहेगा उसके जस्ट नीचे फोटो रहेगी फोटो पे क्लिक करना है इफेक्ट पे क्लिक करना उसके बाद डॉट पे क्लिक करना और कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है कॉपी हो जाए उसके बाद में यहाँ से आपको बेच जाना ठीक है अमस इडिड बाई मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद में यहाँ पे जाना आपको जहां से आपका तीन नंबर वाला इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहां पे चले जाना ठीक है ना तो देखिए मेरा तीन नंबर इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ठीक है नौ पॉइंट ग्यारह सेकंड से ठीक है तो यहाँ पे देखिए फोटो पे आ जाना फोटो पे आने के बाद फोटो पे क्लिक करना है इफेक्ट पे क्लिक करना और डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना ठीक है पेस्ट इफेक्ट पे ठीक है फिर अगली फोटो आ रही है ये वाली ठीक है अगली फोटो ये वाली आ रही है फिर से फोटो पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे पेस्ट इफेक्ट कर देंगे जितनी भी फोटो आ रही है मेरी तीन नंबर इफेक्ट इफेक्ट के अंदर तो मेरे जितने भी फोटो आ रही है तीन नंबर वाले इफेक्ट वाली तो तीन नंबर इफेक्ट जहां तक आ रहा है वहां तक मैंने तीन नंबर वाला इफेक्ट लगा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको सो so, ओके okay गैस देखिए मैंने तीन नंबर इफेक्ट जहां तक आ रहा था वहां तक मैंने ये तीन नंबर वाला इफेक्ट लगा दिया ठीक है यहाँ तक ठीक है चौदह पॉइंट मतलब चौदह पॉइंट छह सेकंड तक देखिए नीचे जाके भी देखोगे तो मेरा तीन नंबर लेयर यहाँ तक आ रहा है ठीक है तीन नंबर वाला इफेक्ट ठीक है तो यहाँ तक मैंने लगा लिया अब अगले आ रहे हैं यहाँ पे टैक्स ठीक है तो अब आपको टैक्स के अंदर यहाँ पर यहाँ पे कौन सी इफेक्ट लगाना तो यहाँ पे आपको नीचे जाके देखोगे तो टैक्स जितने भी टैक्स आ रहे हैं उसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए चार नंबर टैक्स इफेक्ट तो फिर से आपको यहाँ से बेच जाना ओल इफेक्ट ओल वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको जाना चार पे। तो है चार नंबर वाले इफेक्ट पे ठीक है तो ये देखिएगा ये रहा मेरा चार नंबर वाला इफेक्ट ठीक है ना ये रहा ठीक है यह तो वी एस ठीक है वी लिखा हुआ है तो देखिए इफेक्ट लिखा हुआ चार नंबर इफेक्ट इसके जस्ट नीचे ये लेयर आ रहे लेर पर क्लिक करेंगे उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और कॉपी पेस्ट कर लेंगे ठीक है कॉपी हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से जाना आपको ठीक है बैक बैक जाने के बाद में फिर से बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट ये देखिए बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको जाना है जहाँ से आपका चार नंबर वाला इफेक्ट स्टार्ट होता है ना जहाँ से आपके टैक्स वगैरह आते हैं वहाँ पे चले जाना देखिए कि मैं कहाँ पे आ रहा हूँ वहाँ पे चले जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ठीक है वी एस ठीक है तो यहाँ पे आ गया देखिए वी एस अजमेर ठीक है तो यहाँ पे देखिए वी लिखा हुआ है ये टैक्स वाली लेयर आ रही है ठीक है चार नंबर के अंदर तो इस टैक्स वाली लेयर पे क्लिक करेंगे वी पे ठीक है वी लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे ठीक है ठीक है आपने वहाँ से कॉपी किया था इफेक्ट यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना फिर अगला आ रहा है एस फिर इस पर क्लिक करेंगे ठीक है और इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट इफेक्ट कर देंगे ठीक है उसके बाद hey? अगला आ रहा है ठीक है यहां पे अगला आ रहा है अजमेर ठीक है ये रहा ठीक है इस पर भी क्लिक करेंगे और उसके बाद में इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे ठीक है जितने भी मेरे टेक्स टैक्स थे उसके अंदर मैंने टेक्स इफेक्ट लगा लिया ठीक है अब अगली फोटो ये आ रही है ठीक है मतलब सोलह पॉइंट सत्रह से सेकेंड वाली ठीक है थीके? तो इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगेगा तो इस प्रकार से नीचे जाना तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा पांच नंबर इफेक्ट तो ठीक है यहाँ से फिर से बैक जाना बैक जाने के बाद में फिर से ओल इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ठीक है ओपन करने के बाद आपको वहां पर जाना पांच नंबर इफेक्ट के ऊपर तो दो तीन चार और ये पांच ठीक है तो ये ठीक है पांच नंबर इफेक्ट तो पांच नंबर इफेक्ट के नीचे फोटो आ रही फोटो पे क्लिक करेंगे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में त्रिल पे क्लिक करेंगे और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे ठीक है कॉपी हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से जाना आपको बैग ठीक है फिर से बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ठीक है जहाँ से आपका पांच नंबर वाला इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर चले जाना है ठीक है तो मेरा पाँच नंबर वाला इफेक्ट देखिए जो टैक्स के जस्ट बाद में स्टार्ट हो रहा है ठीक है जो अजमेर अजमेर के जस्ट बाद में ये देखिए अजमेर वाला टैक्स आ रहा है यहाँ से इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सोलह पॉइंट सत्रह सेकंड से ठीक है तो ये वाली फोटो आ रही है मेरी ठीक है फोटो पे, पे, पे क्लिक करेंगे उसके बाद में इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और थ्री डोट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में पेस्ट पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा ठीक है फिर अगली फोटो मेरी ये आ रही है ठीक है अगली फोटो ये आ रही है तो इस फोटो पे भी क्लिक करेंगे उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे अब देखिए ये पाँच नंबर वाला इफेक्ट में जितने भी फोटो के अंदर आ रहा है वहाँ वो लगा देता हूँ ठीक है तो ये आ रहा है मेरा पाँच नंबर वाला इफेक्ट आ रहा है सोलह पॉइंट सत्रह सेकंड से लेके देखिए नीचे जाके देखोगे तो ये इफेक्ट आ रहा है देखिएगा पाँच पॉइंट यहाँ तक ठीक है तो इक्कीस पॉइंट सैतीस सेकंड से सेकंड से तक ठीक है जितनी भी फोटो आ रही है मेरी देखिए यहाँ पे वापिस बता दे तो आपको एक बार वापिस सोलह पॉइंट देखिए सोलह पॉइंट सत्रह सेकेंड से लेके यहाँ पे देखिए इक्कीस पॉइंट इक्कीस पॉइंट सैंतीस सेकंड तक जितनी फोटो आ रही पाँच नंबर वाला इफेक्ट लगा लेना है ठीक है तो मैं जल्दी से करके सभी फोटो के अंदर पाँच नंबर वाला इफेक्ट लगा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको सो ओके कैस देखिए इक्कीस पॉइंट सैंतीस सेकंड से जितने भी पहले फोटो होती है मैं सभी के अंदर देखिए इफेक्ट लगा लिया हूँ पाँच नंबर वाला ठीक है अब अगली फोटो आ रही है मेरी ये वाली ठीक है तो अगली फोटो ये वाली आ रही है ठीक है तो इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा ठीक है तो इस फोटो के अंदर नीचे जाओगे तो इस प्रकार से नीचे जाने के बाद में लिखा हुआ छह नंबर इफेक्ट तो छ नंबर वाला इफेक्ट अब देखिए ये यह यहाँ तक ठीक है यहाँ तक आपको छ नंबर वाला इफेक्ट लगाना है ठीक है तो आपको फिर से आपको यहाँ से बेक जाना है बेग जाने के बाद में ओल इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद में आपको जाना देगी दो तीन चार पाँच और ये छह ठीक है छ नंबर इफेक्ट लिखा हुआ आएगा छ नंबर इफेक्ट ठीक है तो इसके जस्ट नीचे फोटो आ रही है छः नंबर वाली फोटो पे क्लिक करेंगे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे कॉपी कर लेंगे ठीक है कॉपी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से आपको बैक जाना है बैक जाने के बाद में फिर से बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट का ओपन कर लेना ठीक है ओपन करने के बाद अब आपको जाना जहाँ से आपका छः नंबर वाला इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे चले जाना देखिए मेरा छः नंबर वाला इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे चला जाता हूँ मैं तो मेरा छः नंबर वाला इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखिएगा मैं टाइम देता हूँ आपको यहाँ से ठीक है इक्कीस पौंट सैंतीस सेकेंड सेकेंड से ठीक है तो से सेकंड वाली फोटो ये आ रही है मेरे देखिए पीछे भी जाके देखे हुए तो यहां पे लिखा हुआ रहेगा ठीक है छह नंबर इफेक्ट ठीक है तो यहां पे नंबर इफेक्ट के जस्ट ऊपर जाओगे तो फोटो आ रही है ठीक है फोटो पे क्लिक करेंगे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद डॉट पे क्लिक करेंगे और यहां से पेस्ट कर देंगे पेस्ट इफेक्ट ठीक है फिर अगली फोटो आ रही है वाली ठीक है फिर अगली फोटो पे भी क्लिक करेंगे अगली फोटो पे क्लिक करेंगे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे त्रिडोट पे क्लिक करेंगे पेस्ट कर देंगे ठीक है तो इस प्रकार से जितने भी फोटो के अंदर मेरा छह नंबर का इफेक्ट आ रहा है तो मैं सभी फोटो के अंदर लगा के फिर बताता हूँ आपको सो ओके इस देखिए मैंने चौबीस पॉइंट पैंतालीस सेकंड तक जितनी भी फोटो थी मेरे देखिए छह नंबर इफेक्ट के अंदर तो मैं सभी के अंदर छह नंबर वाला इफेक्ट लगा दिया हूँ ठीक है अगला अगला इफेक्ट आ रहा है देखिए यहाँ पे देखिए इस फोटो के अंदर तो ये अगली फोटो ये वाली आ रही है तो इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाएंगे तो इस प्रकार से फिर से नीचे जाना है नीचे जाने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सात नंबर इफेक्ट ठीक है तो सात नंबर इफेक्ट आपको दो फोटो के अंदर लगाना है एक और यहाँ पे दो फोटो ठीक है दोनों बीट मार्क वाली

बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको जहाँ पे आपका सात नंबर वाला इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे चले जाना ठीक है तो मेरा सात नंबर इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ठीक है तो आपको टाइम भी नोट कर लीजिए चौबीस पॉइंट पैंतालीस सेकेंड से, से लेके और छब्बीस पॉइंट सत्तावन सेकंड तक ठीक है दो फोटो रहेगी दोनों फोटो के अंदर आपको सात नंबर वाला इफेक्ट लगाना है तो फोटो पे क्लिक करेंगे उसके बाद में इफेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे पेस्ट इफेक्ट कर देंगे ठीक है उसके बाद अगली फोटो आ रही है ये वाली ठीक है अगली फोटो पे भी आपको क्लिक करना उसके बाद में इफेक्ट भी क्लिक करना उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है तो आपको दोनों इफेक्ट कंप्लीटली हो चुका है ठीक है सात नंबर वाला इफेक्ट ठीक है तो लास्ट इफेक्ट आ रहा है ये वाला ठीक है तो इस वाली फोटो में कौन से इफेक्ट लगाना है ठीक है तो ये आ रहा है छब्बीस पॉइंट सत्तावन सेकंड वाली फोटो आ रही है तो इस प्रकार से नीचे जाना और यहाँ पे लिखा हो रहेगा आठ नंबर इफेक्ट ठीक है तो यहाँ से फिर से बेच जाना आपको ठीक है बेग जाने के बाद ऑल इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और उसके बाद में आपको जाना यहाँ पे सबसे एंड में चले जाना जहाँ जान से आपका आठ नंबर वाला इफेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आठ नंबर इफेक्ट तो आठ नंबर इफेक्ट के जस्ट नीचे फोटो आ रही है आठ नंबर वाली फोटो पे क्लिक करेंगे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे कॉपी हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से आपको बेच जाना ठीक है बेच जाने के बाद में फिर से बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद में जहाँ से आपका आठ नंबर वाला स्टार्ट होता है इफेक्ट ठीक है वहाँ पे चले जाना है ठीक है तो मेरा आठ नंबर वाला इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ठीक है आपको टाइम बता देता हूँ छब्बीस पॉइंट सत्तावन सेकंड से ठीक है तो ये वाली फोटो आ रही है ठीक है मेरी सात नंबर वाली जो फर्स्ट वाली फोटो आ रही है आठ नंबर वाली सॉरी तो आठ नंबर वाली फोटो आ रही है फोटो पे क्लिक करेंगे उसके बाद में इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट इफेक्ट कर देंगे ठीक है तो जितने भी मेरी फोटो आ रही आठ नंबर इफेक्ट के अंदर तो सभी के अंदर मैं ये वाला इफेक्ट लगा देता हूँ आठ नंबर वाले फिर से अगली फोटो पे क्लिक करेंगे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे, तो पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो मैं सभी फोटो के अंदर लगा के फिर बताता हूँ तो फाइनली गाइस मैंने देखिए जितना भी आठ नंबर वाला इफेक्ट था जितनी फोटो के अंदर आ रहा था तो मैं सभी फोटो के अंदर जितने भी एंड तक जितनी भी फोटो आ रही थी सभी के अंदर ये आठ नंबर वाला इफेक्ट लगेगा तो मैंने सभी फोटो के अंदर आठ नंबर वाला इफेक्ट लगा दिया ठीक है एंड तक यहाँ से आपको टाइम भी बता देता हूँ तो यहाँ पे देखिए मतलब छब्बीस पॉइंट सत्तावन सेकंड के बाद में जितने फोटो आ रहे सभी के अंदर आठ नंबर वाला इफेक्ट लगेगा तो मैंने फाइनली गाइस पूरा वीडियो पूरा कंप्लीटली हो चुका ठीक है कंप्लीट हो चुका है अब आप इसके अंदर अपना लोगो वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो वो लगाने के लिए आपको करना क्या होगा देखिए पूरे इफेक्ट मैंने कंप्लीटली लगा दी अब लोगो लगाने के लिए आपको स्टार्टिंग में आ जाना स्टार्टिंग में आने के बाद में देखिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना उसके बाद में मीडिया पे क्लिक करना मीडिया पे क्लिक करने का बांधा यहाँ पे फोल्डर पर क्लिक करना फोल्डर पर क्लिक करने का बांधा जिस भी फोल्डर में आपका लोगो उस फोल्डर को ओपन कर लेना तो देखिए मैं फोल्डर ओपन कर लें उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपका फोल्डर पूरा ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद में देखिए मेरा लोगो कहाँ पे है ये रहा ठीक है ये रहा कहाँ पे है ये रहा ठीक है लोगो पे क्लिक करोगे तो लोगो यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद में प्लस पे क्लिक करना तो ठीक है ये अंदर आ जाएगा ठीक है अब इसका आपको फुल स्क्रीन करना ठीक है फुल स्क्रीन करने के लिए थ्री डॉट पे क्लिक करना और फिल कंपिशन एरिया पे क्लिक करना पाँचवें नंबर पे ठीक है तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा फुल स्क्रीन होने के बाद आपको इसको केवल दो सेकंड के लिए रखना है आपको दो सेकंड पे चले जाना उसके बाद में इस लोगो वाली लेयर पे क्लिक करना उसके बाद में इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो पीछे का जो भी एक्स्ट्रा पार्टर कट जाएगा ठीक है तो आपका लोगो लग चुका है ठीक है अब आप इसमें इसके अंदर और ये अलग लोगो बनाना सीखना चाहते हो अपना खुद का तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा तो उस वाली वीडियो को देख के आप इस प्रकार का अपना खुद का लोगो बनाना सीख सकते हो उसके बाद में एक छोटा लोगो भी लगाना है तो फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे उसके बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे जिस भी फोल्डर में आपका लोगो फोल्डर ओपन कर लेंगे ठीक है फोल्डर ओपन करने के बाद में देखिए मैं कहाँ पे लोगो है तो ये रहा ठीक है तो लोगो ये आ गया आने के बाद में प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद में इसकी आपकी साइज कम करना चाहते हो तो ये मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है उसके बाद में साइज वाले पे क्लिक करना और इसकी साइज़ आपको अपनी इच्छा के अनुसार इस कम कर दीजिए ठीक है तो कम करने के बाद में फिर इसको आपको जहाँ पे भी रखना चाहते हो वहाँ पे रख दीजिए तो मैं यहाँ पे इसको इस जगह सेट कर लेना उसके बाद में इस लोगों की लेयर देखिए यहाँ तक कि आपकी जो लोगों की लेयर है एक सेकंड के लिए है ठीक है तो इसको आपको एंड तक करना तो देखिए लोगों वाली लेयर पर क्लिक करना उसके बाद में इस प्रकार से आपको एंड में चले जाना और उसके बाद में इस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो लोगों का लेयर ये एंड तक आ जाएगा ठीक है तो फाइनली गए वीडियो कम्पलीटली बन चुका आप भी अगर इस प्रकार का अपना खुद का छोटा लोगो बनाना चाहते हो इस प्रकार का ठीक है तो इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा तो उस वाली वीडियो को भी देख के आप इस प्रकार का छोटा लोगो बनाना सीख सकते हो तो फाइनली गाइस वीडियो पूरा कंप्लीटली बन चुका है अब आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए इस वाले एरो पे क्लिक करना है ठीक है एरो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए वीडियो पे क्लिक करना है उसके बाद में ये वाला एरो आ रहा है इस पर क्लिक करना है और आपको जो भी रिजुलेशन रखना चाहते हो रख दीजिए ठीक है यहां पे एक्सपोर्ट रिजुलेशन आ रहा है देखिए मैंने मैंने यहाँ पे मे मैंने रख रखा है एक हज़ार अस्सी ठीक है तो इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे जो भी रिजुलेशन रखना चाहते हो यहाँ पे देखिए मैंने एक हज़ार अस्सी रख रखा है सात सौ बीस पी रख रखा है आपको जो भी अच्छे आपके फ़ोन में सपोर्ट करता है वो रख लीजिए तो मेरे फ़ोन में एक हज़ार अस्सी सपोर्ट कर रहा है तो मैं एक हज़ार अस्सी रख लेता हूँ उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए फ्रेम रेट आपको साठ ही रखना है उसके बाद में इसको आपको फुल कर देना और क्वालिटी को भी आपको यहाँ से देखिए इस प्रकार से फुल कर देना एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना ठीक है तो आपका वीडियो पूरा एक्सपोर्ट होने लग जाएगा तो ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा उसके बाद में एक बार चला के दिखाने वालों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय